Krishna. My name is Vidit Ganotra and I am 10 years old. Today, I will tell you a butter-stealing pastime of Lord Shri Krishna. So, let's begin. Ek din, Mata Prabhavati aur Mata Champak Lata makhan milokar hati thi. To Mata Prabhavati ne kaha ki ye makhan मुझे ऊपर टांगना पड़ेगा क्योंकि वो नंदनंदन या शोधानंदन कहना पता नहीं कहां से आ जाता है और सारा माखन चट कर जाता है। तो चंपक लता मैया ने बोला हाँ और दरवाजे पे ताला लगाना मत बोलना। तो फिर आपको पता है ये बात दूर से कौन देख रहा था? दूर से कृष्णा और उनके सखाए ये बात को देख रहे थे और कृष्णा ने बोला कि आओ दाओ भैया आओ सखाओ, आपको पता है कि अभी माता प्रभावती क्या करके हटी हैं? तो सारे सखा बोलने लगे नहीं नहीं कृष्णा हमें तो नहीं पता। तो कृष्णा ने बोला अभी अभी माता प्रभावती ने वृंदावन का सबसे स्वादिष्ट माखन दिलाया है। तो सबने क्या कृष्णा हमें भी वो माखन खाना है? तो कृष्णा ने क्या अवश्य, तो अभी हमें एक योजना बनानी पड़ेगी। तो कृष्णा और उनके मित्र योजना बनाने शुरू कर गए। तभी वहां पर एक बंदर आता है और वो कृष्णा को चाबी देता है और वो चाबी भी कोई साधारण चाबी नहीं होती ही। वो चाबी उस दरवाजे की चाबी होती है जिसके अंदर माता प्रभावती ने माखन रखा था। तो कृष्णा और उनके सखा चुपके से उस कमरे के अंदर चले गए। वहां पे सारे सखा माखन को ढूंढते रहे बट किसी को माखन मिला ही नहीं। तो फिर मधुमंगल कहने लगा अरे कृष्णा हमें तो माखन मिल ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है यहाँ ना व्यर्थ ही गया। दाऊ तभी दाऊ जी की नजर ऊपर पड़ी और उन्होंने क्या अरे कृष्णा माखन तो वहां ऊपर है। तो सुबाला कहने लगा पर वहां पर तो पहुंचना असंभव है, हम कैसे खाएंगे माखन? दाऊ जी ने कहा अरे सुबाला कृष्णा के रहते कुछ भी असंभव नहीं है। तो सब एक के ऊपर एक चढ़े और फिर कृष्णा ने सारा माखन निकाल लिया, फिर वो मजे से माखन खाने लगे। और तभी माता प्रभावती को अपने घर के पास एक आवाज आने लगी। तो वो माखन वाले कमरे के पास गई और उन्होंने देखा कि कृष्णा और उनके उनके सखाओं ने सारा माखन खा लिया था। माता प्रभावती बहुत गुस्सा आई, उन्होंने कृष्णा तुमने मेरा सारा माखन खा लिया और सारे पूरे घर में बिखेर दिया है, ये क्या बात हुई? तो फिर माता प्रभावती ने कहा अब तो मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ के ले जाऊंगी यशोदा के पास। तो फिर माता प्रभावती कृष्णा को रंगे हाथ पकड़कर ले जा रही थी। तभी माता प्रभावती ने कहा कृष्णा इस बार तो हम तुम्हारी भोली सूरत भी नहीं देखेंगे, वरना तुम्हारी भोली सूरत तो सबको हिप्नोटाइज कर देती है। तो फिर वो कृष्णा को लेकर यशोदा मैया के पास गई और बोलने लगी यशोदा यशोदा कहाँ हो, सुनती हो? देखो हम तुम्हारे कृष्णा को पकड़ लाए हैं, देखो तुम्हारा लल्ला क्या कर रहा है। तो फिर यशोदा मैया आई और उन्हें बोला क्या हुआ प्रभावती? तो फिर प्रभावती माता ने क्या ये देखो तुम्हारी कृष्णा ने माखन चुराया था इसलिए हम उसे ले आए। तो फिर यशोदा मैया कहने लगी अरे अरे प्रभावती तुम मेरे कृष्णा के बारे में सोच सोच कर बहक गई हो, तभी तुम मेरे पुत्र कृष्णा की जगह अपने पुत्र चंद्रों को पकड़ के ले आई हो। तो माता प्रभावती ने क्या क्या ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो जैसे ही माता प्रभावती ने पीछे देखा आप सबको पता है पीछे कौन था? चंद्रू। तो माता प्रभावती ने क्या चंद्रू तुम यहाँ कैसे आए?
तुम तो स्नान करने गए थे। तो माँ चंद्रू ने क्या, मैया मैं तो तुम्हारा चंद्रू हूँ मैया। तो माता प्रभावती बहुत गुस्सा हुई, बहुत निराश होके वहां से चली गई। तो फिर चंद्रू कहने लगा, माता प्रभावती तुम्हें यशोदा मैया की बातों में नहीं आना चाहिए, वरना तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं कौन हूँ, चंद्रू या फिर वही माखन चोर कृष्ण। तो माता प्रभावती ने पीछे देखा, क्या कृष्ण कैसे आया। तो माता प्रभावती ने अपनी आंखें थोड़ा मल के देखा तो चंद्रू, दोबारा माता प्रभावती ने जब अपनी आंखें मली तो कृष्ण। तो कृष्णा ने कहा, माता प्रभावती मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप मुझे चोरों की तरह पकड़ कर ले आई और यशोदा मैया के पास ले आई, इसमें मेरा दोष ही क्या था, मैंने तो सिर्फ आपके हाथों का बनाया और वृंदावन का सबसे स्वादिष्ट माखन ही खाया था। तो माता प्रभावती कहने लगी, अरे कृष्णा सुनो तो सुनो कृष्णा। पर कृष्णा थोड़ी ना सुनने वाले थे। कृष्णा ने कहा, माता प्रभावती अगली बार से ऐसा मत करना, वरना अब चंद्रू की जगह अपने पति का हाथ पाओगी और फिर पूरा का पूरा वृंदावन तुम पर हंसेगा। थैंक यू। ये कृष्णा की पास टाइम आपको कैसी लगी। हरे कृष्णा। थैंक यू।